भारतीय शोबिज इंडस्ट्री की मारूफ चोरी आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के यहाँ बेटी की पैदाइश हुई है। अदाकारा आलिया भट्ट ने बेटी की पैदाइश की इत्तला खुद इंस्टाग्राम पर दी। बॉलीवुड की मारूफ अदाकारा आलिया भट्ट ने अपनी पोस्ट में एक कार्ड शेयर किया जिस पर दर्ज था कि हमारी ज़िंदगी की बेहतरीन खबर आ गई। अदाकारा ने बताया कि अब हम वालदैन बन चुके, हमारी बेटी हमारे पास आ गई। आलिया भट्ट के इंस्टाग्राम पोस्ट पर बॉलीवुड इंडस्ट्री के नामवर फनकारों ने मुबारकबाद पेश की, जबकि मदाहों की जानिब से भी नेक ख्वाहिशात के इजहार का सिलसिला जारी है। पीछे आए के लॉन्ग मार्च में चेयरमैन और साबिक वजीर आजम इमरान खान पर कातलाना हमले की शोबिज शख्सियात की जानिब से भी शदीद मजम्मत की गई है। वजीराबाद में पीछे चेयरमैन इमरान खान के कैंटनों पर फायरिंग की गई, जिससे साबिक वजीर आजम सेनेटर फैसल जावेद और पीछे रहनुमा अहमद चट्टा समेत दीगर अफराद जख्मी हुए। इस वाक़े के बाद शोबिज की शख्सियात ने भी इमरान खान की कैंटनों पर फायरिंग के वाक़े को दहशतगर्दी करार देते हुए इसकी शदीद मजम्मत की और पीटीआई चेयरमैन को ज्यादा नुकसान न पहुंचने पर शुक्राने भी अदा किए। अदाकारा सबा कमर और मिकाल जुल्फिकार की वेब सीरीज मंडी की रिकॉर्डिंग लाहौर में तसलसल के साथ जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वेब सीरीज मंडी की रिकॉर्डिंग में बहुत से फनकार हिस्सा ले रहे हैं। दोनों फनकारों ने पहली बार तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। सबा कमर सियासतदान का किरदार कर रही हैं, जिसके बारे में ज़राए का दावा है कि इनका ये किरदार मरियम नवाज शरीफ से मुमासलत रखता है, क्योंकि इनका गेटअप भी मरियम नवाज जैसा है। सीरीज में नैयर एजाज, उस्मान पीरजादा और एनी जाफरी समेत बहुत से फनकार शामिल हैं। इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर अवैस खान हैं।